कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के जापानी भाषा एक परिचय की इस कड़ी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर कुछ लोग पहली बार आए हैं, उन सब का भी बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है यहाँ पर। ये क्लास जो है, इसमें हम लोग जापानी भाषा काफ़ी दिन से सीख रहे हैं। हम लोगों ने भाषा में व्याकरण किया है, इनकी जापानी भाषा में जो कांजी स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राम्स और आइडियोग्राम्स हैं वो करे हैं, कुछ नए शब्द भी सीखे गए हैं, जगह जगह पर जाकर के कैसे सामान ख़रीदा जाता है, जैसे कि अगर आप डिपार्टमेंट स्टोर गए हैं, सब्ज़ी की दुकान पर गए हैं, कपड़े की दुकान पर गए हैं, कैसे जाकर के वहाँ सामान ख़रीदा जाता है, कैसे समय पूछा जाता है, किस प्रकार से जापानी भाषा में एक्सप्रेशंस हैं, किस तरीके से एक कॉन्वर्सेशन, साधारण कॉन्वर्सेशन काइवा किया जाता है, वो सब हम लोगों ने सीखा है। तो उसी को हम लोग आज भी आगे बढ़ाएंगे। आज एक नया काइवा सीखेंगे जिसके ज़रिए हम लोग व्याकरण करेंगे, नया व्याकरण सीखेंगे, नई कांजी सीखेंगे, नए शब्द होंगे उसमें, अंतराल के बारे में जानेंगे, कुछ नए पार्टिकल्स हैं। तो आइए आज का जो क्लास है वो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले है इत्सु निहोन ए किमाश्ता का। अब आपने पहले अपने क्लासेस में वर्ब तो किया ही है, जैसा आपको मालूम है हम लोग वर्ब करते चले आ रहे हैं अपनी पिछली कड़ियों में, तो उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस किया है वर्ब का, वर्तमान काल, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव किया है। तो आज हम लोग भूतकाल का यानी कि पास्ट टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे, जैसा कि हर बार करते हैं हम लोग, ऑडियो सुनते हैं और लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये काइवा सुनिए और देखिए इसमें आपको कितना समझ में आता है। तानाका सान, इत्सु कानपुरे किमाश्ता का? सेंगेत्सु नो 14 नि किमाश्ता। देरी कारा दो यात्ते किमाश्ता का? 飛行機で来ました。飛行機で何時間ですか? 1時間ぐらいです。インドの生活はどうですか? 私は大丈夫です。田中さん、インド人はお箸で食べません。手で食べます。大丈夫ですか? ああ、あれ? 今、あれも大丈夫です。तो अभी आपने काइवा सुना। काइवा दो लोगों के बीच में है, राव सान और तानाका सान के बीच में है। तानाका सान, इत्सु कानपुर ए किमाश्ता का? राइजिंग इंटोनेशन, क्योंकि क्वेश्चन है ये। सेंगेत्सु नो जू योक्का नि किमाश्ता। देरी करा दो यात्ते किमाश्ता का? देरी है ये दिल्ली के लिए कहा गया है, दिल्ली के लिए। दिल्ली को जापानी में देरी कहते हैं। हिको की दे किमाश्ता। हिको की दे नंजिकान देस का? इचिजिकान गुराई देस। इन दोनों से का सुबह दो देस का? वतशिवा दाय जो बुदेस। तानाका सान, इन दो जिन वा ओहाशी दे थाबेमासेन, ते दे थाबेमास, सोरे वा दाय जो बुदेस का? आ अरे, इमा अरे मो दाय जो बुदेस। तो ये भी आपने काइवा सुना। आपको इसमें से बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये इत्सु है, हिको की है शब्द, दो देस का ये एक्सप्रेशन है, ये सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं और आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ जो लाल रंग से शब्द हैं वो आपको नहीं भी समझ में आए हैं, तो उनको अब देखते हैं ये क्या हैं। ये आपके लिए जापानी में है, इसमें आप देखिए कांजी भी है, काताकाना भी है और हिरागाना भी है। तो अब आप काफ़ी दिन से कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जापानी भाषा में तीनों स्क्रिप्ट्स एक साथ चलती हैं, तीनों लिपियां जो हैं वो एक साथ उनका प्रयोग किया जाता है और उनको लिखा जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों ऐसा होता है। देखिए ये जो स्क्रिप्ट है,
ये चाइनीज स्क्रिप्ट है, जैसा आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें जब हम लिखते हैं तो क्योंकि जापानी भाषा में स्पेस देने की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ हिंदी में हम लकीर बना देते हैं शब्द के ऊपर, अंग्रेज़ी में हम स्पेस दे देते हैं, जैसे यहाँ पर दी गई है स्पेस शब्द के बीच में, लेकिन जापानी में ऐसा नहीं है। ये तो जो स्पेस आपको यहाँ दिख रही है ये आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये शब्द अलग है, लेकिन जब ये मिला दिया जाता है तो ये पता नहीं चलता है कि शब्द कहाँ ख़त्म हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। उस समय ये जो कांजी है ये बहुत काम आती है, इससे पता चल जाता है कि ये शब्द ख़त्म हो गया है। तो इसलिए कांजी का इस्तेमाल, कांजी का जो प्रयोग है ये बहुत ही ज़रूरी है भाषा में। अच्छा, अभी तक हम लोग कर रहे थे वर्ब्स। आपके पिछले चैप्टर में हमने आपको वर्ब्स कराए हैं, क्रिया कराई है आपको, और क्रिया का प्रेजेंट टेंस कराया है। तो आज हम लोग पास्ट करेंगे। प्रेजेंट, अगर हम ये क्रिया लें इकीमास, तो इसका प्रेजेंट टेंस क्या है? इकीमास। और नेगेटिव इसका क्या है प्रेजेंट में? इकीमासेन, है कि नहीं है? तो अब हम इसका पास्ट लेंगे, यानी कि भूतकाल में लेंगे, पास्ट टेंस में लेंगे। तो सबसे पहला उसमें जो वर्ब है वो है कीमाश्ता, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, कीमाश्ता, यानी कि मैं आया था। और नेगेटिव क्या है इसका? कीमासेन देशता, यानी कि मैं नहीं आया था। तो माश्ता और मासेन देशता वर्ब में जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से वर्ब में यहाँ मास और मासेन जोड़ दिया गया। तो ये प्रेजेंट में हुआ और ये पास्ट में हुआ। अब ये दो अलग अलग वर्ब्स हैं। अब देखिए इनमें फ़र्क क्या है। इकी मास यानी कि जाना। अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं तो इकी मास है, ये प्लेस है, और इस जगह आप जा रहे हैं कहीं से, यहाँ से इस जगह से आप यहाँ जा रहे हैं तो इकी मास कहा जाएगा। यदि आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आप यहाँ पर इस जगह पर प्रेजेंट हैं और आप यहाँ पर आए, कहीं से भी आए लेकिन आप इस समय मौजूद हैं और इस जगह की बात कर रहे हैं, तब क्या कहेंगे हम? तब कहेंगे कि मास। तो इकीमास के माने होता है गो यानी जाना, और कीमास के मतलब है कम यानी कि आना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इकीमास और कीमास में फ़र्क क्या है। इकीमास जब आप कहीं से किसी जगह जाते हैं तब प्रयोग किया जाता है, और कीमास जब आप उस जगह पर मौजूद रहते हैं और उस जगह की बात करते हैं, वहाँ पर आने की बात करते हैं, तब उसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं, दोशी जिन्हें कहा जाता है जापानी में, हम उनको देखेंगे कि कैसे उनका पास्ट में प्रयोग किया जाता है, उनको कैसे लिखा जाता है। अभी तक आपने किया है इकीमास, इकीमासेन, आज आप करेंगे इकीमाश्ता, इकीमाश्ता और इकीमासेन देशता, मैं नहीं गया था। इकीमाश्ता मैं गया था, इकीमासेन देशता मैं नहीं गया था। इसी प्रकार से एक और शब्द आप अभ्यास करिए, वाताशिवा आइसक्रीम ओ ताबेमास, मैं आइसक्रीम खाऊंगा या खाने जा रहा हूँ। वाताशिवा आइसक्रीम ओ ताबेमासेन, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। वाताशिवा आइसक्रीम ओ ताबेमाश्ता, मैंने आइसक्रीम खाई थी। और वाताशिवा आइसक्रीम ओ ताबेमासेन देशता, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई थी। तो आज का अभ्यास जो है वो है माश्ता और मासेन देशता।
तो देखिए अब आप लोग देखेंगे कि माश्ता कैसे बनता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाया गया है ग्रुप वन और ग्रुप टू। ग्रुप टू पहले इसलिए दिखाया गया है क्योंकि आसान है, रू को हटाइए और माश्ता लगाइए, तो ताबे माश्ता। जैसे मीरू, आपने रू हटाया और माश्ता लगाया और बना मी माश्ता, यानी कि मैंने देखा। इसी प्रकार से ग्रुप वन थोड़ा सा अलग है, जैसा आप लोग शुरू से देखते चले आ रहे हैं। तो नोमू, अगर हम इसको रोमन में लिखते हैं तो ऊ यहाँ पे है, इस ऊ को हटा दीजिए और नोमी माश्ता लगा दीजिए, यानी कि नो मी माश्ता। तो आपको क्या लगाना है, ई माश्ता लगाना है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ऊ है, इसको हटा दीजिए और देखिए ओयोगी माश्ता, ओयोगी माश्ता। इस प्रकार से आपका माश्ता फॉर्म बनता है। देखिए वर्ब का जो है जिशोकेई प्लस इमाश्ता या माश्ता, इमाश्ता ग्रुप वन के लिए और माश्ता ग्रुप टू के लिए। अब आप अभ्यास कर सकते हैं इन शब्दों का, इन वर्ब्स का। एक बार फिर से इकिमाश्ता, काएरिमाश्ता, ताबेमाश्ता, नोमिमाश्ता, योमिमाश्ता, नेमाश्ता, बेंक्योशिमाश्ता, आरुकिमाश्ता, मिमाश्ता, ओकिमाश्ता, ओयोगिमाश्ता। तो ये सब पास्ट में है, मैं तैरा था, सोया था, देखा था। तो इस प्रकार से आप इसका ज़ोर ज़ोर से अभ्यास करिए, और जब भी अभ्यास करिए मुंह के अंदर नहीं करिए, जिससे जो आप कहें वो आपके कान अच्छी तरीके से सुन सकें। मासेन देश्ता, वर्ब में मासेन देश्ता को आप जोड़ दीजिए। इकी मासेन देश्ता, कायरी मासेन देश्ता, ताबे मासेन देश्ता, नोमी मासेन देश्ता, योमी मासेन देश्ता, ने मासेन देश्ता, बेंक्योशी मासेन देश्ता, आरुकी मासेन देश्ता, मिमासेन देश्ता, ओकिमासेन देश्ता, ओयोगिमासेन देश्ता। देखिए ये अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो साउंड है, उच्चारण है मासेन देश्ता का, ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, जिससे जब आप वार्तालाप करें तो आसानी से आप उसको बोल सकें। अब देखिए आपने ये पहले किया है, तनाका सानवा किनो हाचीजी करा जीव जी मादे ओयोगी माश्ता, ये आपने अपने पिछले लेसन्स में किया है, इतने बजे से इतने बजे तक। अब इतने बजे से इतने बजे तक एक अंतराल है, तो इसको आप कैसे जापानी में कहेंगे, तनाका सानवा किनो हाचीजी करा जीव जी मादे ओयोगी माश्ता, उन्होंने 8 बजे से 10 बजे तक वो तैरे या तैरे थे। तो इसको कैसे कहेंगे, तनाका सानवा किनो निजी कान ओयोगी माश्ता, 2 घंटे के समय को कहेंगे निजी कान, उतने इंटरवल के लिए, उतनी देर के लिए। तो कान को कहते हैं उतनी देर, उतने समय के लिए। अब इसका आप अभ्यास भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये सज्जन जो हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो ओतोतोई जूजी जूइची जी हान योमी माश्ता। तो अगर इसको हम ऊपर वाले वाक्य की तरीके से बनाएंगे तो ओतोतोई वाताशिवा जूजी कारा जूइची जी हान मादे योमी माश्ता, साधारण वाक्य है जो आपने पहले किया है।
अब आज जो हम जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो क्या है? कान है। इतने समय तक ओतोतोई वाताशिवा, एक डेढ़ घंटा है ये। तो इचीजी कान हन शिम्बुन ओ योमी माश्ता। तो इचीजी कान हन योमी माश्ता, क्या पढ़ा आपने? शिम्बुन। इचीजी कान हन, यहाँ पर शिम्बुन ओ योमी माश्ता। अब आप ये चीज़ देखेंगे कि इचीजी एक घंटे, तो जी के बाद ही कान लगाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, समय के बाद कान लगाया जाता है, और जो मिनट्स हैं, जो मिनट हैं, वो बाद में लगाए जाते हैं। वाताशिवा नीजी कान निमाश्ता, वाताशिवा इचीजी कान निजुप्पुन बेंक्योशिमाश्ता। मैंने एक घंटा 20 मिनट पढ़ाई की। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम के बाद ही कान लगाया जाता है। 8 बजे से 6 बजे तक आपने क्या किया? काम किया। हाताराकी माश्ता। तो अनाका सानवा हाचीजी कारा रोकुजी मादे हाताराकी माश्ता। अब यहाँ पे आप गोगो और गोजेन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिस किया है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो किनो गोजेन हाचीजी कारा गोगो रोकुजी मादे हाताराकी माश्ता। माश्ता पास्ट में है, इसलिए टाइम एक्सप्रेशन क्या है? किनो है। कल मैंने 8 बजे से 6 बजे तक काम किया, सवेरे 8 बजे से शाम को 6 बजे तक काम किया। तो अब इसको आप कान में कैसे बताएंगे? वाताशिवा जीवजी कान हाताराकी माश्ता। जी के बाद देखिए कान लगा है, तो इसी प्रकार से आपको कान लगाना है। एक और है आपके लिए, 4 बजे से 5 बजे तक हनाशी माश्ता। कितने घंटे बात करी? इचीजी कान हनाशी माश्ता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इचीजी कान हनाशी माश्ता। देनवा दे इचीजी कान हनाशी माश्ता। फोन से, फोन पर या फोन से मैंने एक घंटे बात की। अब ये क्या कर रहे हैं? ये सो रहे हैं सज्जन। तो तनाका सान वा किनो जीव इचीजी कारा रोकुजी मादे निमाश्ता। कितनी देर इन्होंने सोने में लगाए? शिचीजी कान ने माश्ता। तो इस तरीके से आप कान का अभ्यास कर सकते हैं। केवल ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमेशा जी के बाद ही कान लगाया जाएगा। अब आपके लिए कान है यहाँ पे, इचीजी कान नीजी कान। इचीजी कान हान मतलब एक घंटा 30 मिनट या डेढ़ घंटा। नीजी कान जुप्पुन यानी कि 2 घंटे 10 मिनट। और कान देखिए जी के बाद ही लगा है। इसी प्रकार सब हैं, सांजी कान योजी कान गोजी कान रोकुजी कान शिचीजी कान हाचीजी कान कुजी कान जीवजी कान। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, किसी भी कार्य को करने में लगने वाले समय को कान के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, बताया जाता है। और कान का प्रयोग हमेशा समय के बाद ही किया जाता है, जैसा कि आप अभी अभ्यास कर चुके हैं। और ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि घंटे के बाद तो किया ही जाता है, मिनट से पहले किया जाता है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि इचीजी हान कान कर दें, वो गलत हो जाएगा। इचीजी कान हान करना पड़ेगा। आपके लिए है वाताशिवा नीजी कान निमाश्ता। ये सो रहे हैं यहाँ पे, कितनी देर आप सोए हैं? नानजी कान निमाश्ता का शिचीजी कान निमाश्ता। तनाका सान वा नीजी कान असोबिमाश्ता। आपके पास यहाँ पे ओंगाकू है, और ओंगाकू क्या हुआ? म्यूजिक। किकिमाश्ता, तो आप कैसे कहेंगे इसे? नीजी कान भी कह सकते हैं कि मैंने 2 घंटे म्यूजिक सुना। तनाका सान की जगह आप कुछ और भी, जो भी आपने
वर्ड्स किए हैं नए, उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो वाता शिवा निजी कान ओन गाकु ओ किकिमाश्ता, या तनाका सान वा इची जी कान हन ओन गाकु ओ किकिमाश्ता। आप किसी प्रकार से भी काइवा कर सकते हैं। आप अपने दोस्त से सवाल भी कर सकते हैं, तनाका सान वा नानजी कान ओंगाकू ओ किकिमाश्ता। यहाँ पे ओंगाकू लिख लें या कुछ और भी जो अभी आगे आएगा वो लिख करके आप सवाल भी कर सकते हैं और जवाब पा सकते हैं उनसे। दूसरा क्या है, तेरेबी, तनाका सान वा नानजी कान तेरेबी ओ मीमाश्ता का, तनाका सान वा निजी कान तेरे भी ओ मीमाश्ता। ओतो सानवा, तनाका सान की जगह आप ओतो सान भी कर सकते हैं। ओतो सानवा नानजी कान शिम्बुन ओ योमीमाश्ता का, तनाका सानवा सांजुपुन शिम्बुन ओ योमीमाश्ता। शुकुदाय यानी कि होमवर्क, जो कि आपको अक्सर मिलता है आपके क्लास के बाद, तो तनाका सानवा नानजी कान शुकुदाय ओ शिमाश्ता का, तनाका सानवा सांजी कान शुकुदाय ओ शिमाश्ता। नानजी कान बैंक्यो शिमाश्ता का, तनाका सानवा किनो निजी कान बैंक्यो शिमाश्ता, या तनाका सानवा माइनिची योजी कान बैंक्यो शिमास। आपने ये सब शब्द किए हुए हैं, तो इस प्रकार से एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन करिए अपने मित्र के साथ और प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए इन सब का। आपके लिए और है अभ्यास, ये सज्जन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुजी खरा जुइची जी हान मादे निहोंगो ओ बैंक्यो शिमाश्ता, कितनी देर पढ़ाई करी, नानजी कान बैंक्यो शिमाश्ता का निजी कान हान बैंक्यो शिमाश्ता। तो यहाँ पे आप देखिए अभ्यास है कान का कब प्रयोग किया जाएगा। निजी कान हान बैंक्यो शिमाश्ता, नानजी कान बैंक्यो शिमाश्ता का एक जवाब हो सकता है वाताशिवा खुजी खरा जुइची जी हान मादे निहोंगो ओ बैंक्यो शिमाश्ता, नानजी कान बैंक्यो शिमाश्ता का दूसरा हो सकता है निजी कान हान बैंक्यो शिमाश्ता। अब देखिए ये आपके पिताजी जो हैं अखबार पढ़ रहे हैं, 8:30 बजे से 9 बजे तक उन्होंने अखबार पढ़ा है, तो बताइए कितनी देर उन्होंने अखबार पढ़ा है। हाची जी हान खरा खुजी मादे शिम्बुन ओ योमीमाश्ता, तो सांजुपुन शिम्बुन ओ योमीमाश्ता। तो इस प्रकार आप कान का प्रयोग कर सकते हैं टाइम के साथ। ये देखिए एक बिल्कुल नया पार्टिकल है, आपके काइवा में आया था ते दे ताबेमास, मतलब हाथ से खाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है, से है, यानी कि जब किसी वस्तु की मदद से कोई और कार्य किया जाए तब पार्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके लिए, आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे एम्पित्सु दे काकीमास, एम्पित्सु यानी कि पेंसिल, पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल की मदद से लिखते हैं। हाशी दे ताबेमास, हाशी चॉपस्टिक्स हैं, तो हाशी दे, हाशी की मदद से खाते हैं। आप स्पून से खाते हैं तो स्पून दे ताबेमास, एम्पित्सु दे, हाशी दे, स्पून दे, फोक दे, ताबे मास। किसी भी वस्तु की मदद से कोई कार्य किया जाए उस समय पार्टिकल दे लगाया जाता है। यहाँ पे तस्वीर में है देनवा यानी कि फोन, तो फोन की मदद से हम बात करते हैं, इसलिए देनवा दे हनाशिमास। कल हमने कितनी देर देनवा पर बात करी, किनो यो जी खरा गोजी मादे देनवा दे हनाशिमाश्ता, किनो इची जी खान देनवा दे हनाशिमाश्ता। तो हर प्रकार से आप नई नई चीज़ें सीखते जाइए, लेकिन पुरानी चीज़ें भी याद रखिए और उनका भी अभ्यास करते रहिए, जिससे भूले नहीं। और आप जब काइवा करें
जब आप कॉन्वर्सेशन करें तो वो चीज़ें आपको आसानी से याद आ जाएं और आपको काइवा में मदद करें। तो इसका अभ्यास हम लोग कर लेते हैं। ये सज्जन फोन पे बात कर रहे हैं तो देनवा दे हनाशिमास। ये क्या कर रही हैं? ये पेंसिल से कुछ लिख रही हैं। तो क्या कहेंगे हम लोग, बताइए। एम्पित्सु, एम्पित्सु दे काकीमास, यानी कि पेंसिल से लिखना। ये कुछ खा रही हैं, चॉपस्टिक्स का प्रयोग कर रही हैं, हाशी का प्रयोग कर रही हैं, तो हाशी दे ताबेमास। और हाशी को ओ हाशी कहते हैं, तो ओ हाशी दे ताबेमास। ओ पार्टिकल नहीं है, ओ ऑनरिफिक है यहाँ पर, इसलिए ओ हाशी दे ताबेमास। ओ हाशी की मदद से हम खाते हैं। इस प्रकार से आप लोग दे का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नया शब्द है गुराई, जो कि आपके कॉन्वर्सेशन में भी था। तो गुराई का बेसिक अर्थ क्या है? गुराई का बेसिक अर्थ है लगभग, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर दो टाइम हैं, 8:30 और 9। तो हम ये कह सकते हैं हमने लगभग आधे घंटे के लिए बात करी। घड़ी देख करके 30 मिनट के लिए नहीं है, हो सकता है 2 मिनट कम हो सकता है 2 मिनट ज़्यादा हो। तो देखिए, हाची जी हान करा कुजी मादे देनवादे हनाशिमाश्ता। तो क्या कहेंगे? सांजुप्पुन गुराई देनवादे हनाशी माश्ता, समय के बाद गुराई। एक और टाइम है, ये यहाँ पर घड़ी एग्जैक्ट टाइम ज़रूर दिखा रही है कि 8:30 से 11:30 है, मतलब 2 घंटा है, लेकिन हम इसको मानकर चलेंगे कि प्लस माइनस 5 मिनट इधर या 5 मिनट उधर हो सकता है। तो हाची जी हान करा जुईची जी हान मादे बोरुदे असोबी माश्ता, बॉल के साथ मैं खेला, तो मैं 2 घंटे में 5 मिनट कम खेला या 2 घंटे से 5 मिनट ज़्यादा भी खेल सकता हूँ। तो निजी कान गुराई असोबी माश्ता, मैंने लगभग 2 घंटे खेला। तो गुराई का ये अर्थ है फिलहाल अभी के लिए। गुराई को आप टाइम के साथ प्रयोग करिए, इतनी देर। आपके लिए और भी बहुत सारा अभ्यास है आज, 7 बजे से 8 बजे तक। तो कितनी देर आपने बात करी फ़ोन पे? इची जी कान देनवा दे हनाशी माश्ता। अब अगर माश्ता है तो आप कौन सा टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे? कल का करेंगे या परसों का करेंगे या जो बीत गया है कल उसका करेंगे? बिल्कुल सही, किनो किनो इची जी कान देनवा दे हनाशी माश्ता, या केसा केसा इची जी कान हनाशी माश्ता, यानी कि आज सवेरे। दूसरा क्या है? 1 बजे से 3 बजे तक, तो नी जी कान बैंक्यो शिमाश्ता। और फिर क्योंकि पास्ट में है इसलिए टाइम एक्सप्रेशन भी आपका पास्ट में होगा। आप अपने मित्र के बारे में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या अपने बारे में बता सकते हैं, या कोई आपसे पूछ सकता है। 1 बजे और 4 बजे, तो यहाँ पे क्या है? सांझिकान निमाश्ता, किनो आना था वा नांझिकान निमाश्ता का, किनो वाता शिवा सांझिकान निमाश्ता। अब यहाँ पे 8:30 बजे से 10 बजे तक है, तो इची जी कान हन तेरबी ओ निमाश्ता। देखिए, जी के बाद कान है, उसके बाद मिनट्स हैं, तो इची जी कान हन तेरबी ओ निमाश्ता। आपने ओ का अभ्यास पहले ही किया हुआ है, यहाँ पे भी माश्ता है इसलिए टाइम एक्सप्रेशन दोबारा से आपका पास्ट में आएगा। तो इसका आप अभ्यास करिए। अब जैसा कि हम लोग हर बार कांजी करते हैं, तो आज थोड़ी अलग तरीके की कांजी हैं। ऐसी कांजी हैं जो जब ये कांजी बनाई गई थी, जब कांजी पिक्टोग्राम्स बनाए गए थे, तब ये शब्द नहीं थे, ये शब्द बाद में बने हैं। तो कैसे दो कांजी को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया गया है, कैसे कोई कॉन्सेप्ट है, कैसे कोई पिक्टोग्राम है, कोई आइडिया है, उसको लाइनों में दिखाने का प्रयास किया है।
आज आप देखिएगा जरा। देन, देन माने बिजली। अब देन बनता कैसे है? देन में अलग अलग कांजी हैं, उसका मीनिंग भी अलग है। देखिए ये जो ऊपर का है इसका मतलब है बारिश। तो देखिए बादल से बारिश आई और ये आपने करी है कांजी, इसका मतलब है फील्ड यानी कि खेत। तो पानी से ही बिजली बनती है। तो दो आइडिया को ज्वाइन करके कि आमे और फील्ड को ज्वाइन करके उन्होंने बिजली बनाई। तो इसको ऐसे बनाते हैं, इसका स्ट्रोक ऑर्डर है अब कितने स्ट्रोक की कांजी है ये हम लोग देख लें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह और तेरह। तो ये 13 स्ट्रोक की कांजी है। देन इसकी रीडिंग है और अर्थ है बिजली। देन की ये शब्द देखिए पहले नहीं था, जब ये कांजी बनी होंगी तब तो डेंकी यानी कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी तो कोई था नहीं वर्ड। तो ये दो कांजीज को बना करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया गया यानी स्टीम, गैस और बारिश और फील्ड को मिला करके देन और की। तो डेंकी शब्द बनाया गया यानी बिजली। फिर दूसरा शब्द इसी से बनाया गया देनशा यानी बिजली से चलने वाली एक गाड़ी। ये गाड़ी का कैरेक्टर है यानी कि कुर्मा का कैरेक्टर है, कुर्मा का। ये देन है तो देन शा बिजली से चलने वाली गाड़ी। इस प्रकार से ये नए शब्द बनाए गए हैं। इसी प्रकार से एक और शब्द है देनवा, जो कि आप कर रहे हैं बहुत देर से कि देनवा दे हनाशिमास। तो देनवा कैसे बना है? दो कांजी को मिला करके बना है, ये और ये कांजी। अब ये कांजी क्या है? एक कांजी तो है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात स्ट्रोक्स की कांजी है एक। ये इसका अर्थ है बोलना। और ये जो कांजी है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः स्ट्रोक की जो ये कांजी है इसका मतलब है जबान। तो जबान से बोला जाता है इसलिए ये कैरेक्टर जो है इसका अर्थ है हनासु यानी कि बोलना या बात करना। दो कांजी को जोड़ करके, बोलना और जबान को जोड़ करके ये एक कांजी बनाई गई हनासु। और ये देखिए इससे क्या बना, ये यू मुंह से बोला जाता है और किससे? जबान की मदद से। तो इससे शब्द क्या बना? काइवा मतलब कॉन्वर्सेशन, मिल करके बात करना। दूसरा शब्द क्या बना? देनवा बिजली के द्वारा बात करना, देनवा। देन वाह। तो इस तरीके से शब्द जोड़ जोड़ करके बनाए जाते हैं और उस आइडिया को डिपिक्ट किया जाता है कांजी के द्वारा। अब आपने एक और शब्द किया है यहाँ पे अंतराल, कान, जिसको इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये कांजी अगर आपको याद है नीची की आपने करी है, तो पूरा दिन जो है, जो सूरज है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक दिन में, ईस्ट से वेस्ट तक एक दिन में ट्रैवल करता है। तो ये आपने कांजी शुरू में करी थी दिन की, तो इसी को बढ़ा करके और पूरा दिन। तो सूरज यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है पूरे दिन में, इसलिए इसका अंतराल है, कान है। समय बताया गया है, स्पैन बताया गया है कि इस जगह से इस जगह तक जाने में पूरा समय लगता है, कितना समय लगता है। ये कान है। अब देखिए कैसे बना है, ये देखिए
सूरज ही दिखाया गया है यहाँ पे भी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सूरज एक दिन में जाता है, तो ये टाइम पीरियड है उसका। जी कान, जी कान माने टाइम, जी और कान, ठीक है। आपने पिछली अपने क्लास में किया था कि कानपुर से लखनऊ जाने में बस से कितनी देर लगेगी, है ना? तो कुरमा दे या बस दे कानपुर करा लखनऊ मादे नान जी कान ककारी मास का कितना समय लगेगा। ये है कांजी निंगेन की, इसकी अलग रीडिंग है निंगेन। ये हितों के लिए इस्तेमाल की जाती, लोगों के लिए, लोग निंगेन, ये स्पेशल रीडिंग है, इसको भी याद कर लीजिए। शिव यानी हफ्ता, आप माई शिव, राय शिव, कौन शिव, सेन शिव, ये सब आप बहुत दिन से कर रहे हैं, तो शिव का अर्थ क्या हुआ? शिव का अर्थ हुआ हफ्ता, जो कि हम लोग जानते हैं। बनती कैसे है कि पहले ज़माने में खेती होती थी, बड़े बड़े खेत होते थे, तो उस खेत को पूरा चेक करने के लिए, घूम करके देखने के लिए कि सब सही है कि नहीं सही है, कितनी देर लगती थी? एक हफ्ता लगता था। देखिए, एक व्यक्ति को अपने पैरों से पूरा खेत घूमने के लिए काफ़ी देर लगती थी, कुछ दिनों का टाइम लगता था, उसको हफ्ते में तब्दील कर दिया। रायशु, रायशु माने अगले हफ्ते, राइनेन यानी कि अगले साल। ये कुछ कांजी से बने हुए शब्द हैं जो आप घर में उच्चारण करके प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको और याद कर सकते हैं। एक स्पेशल रीडिंग है, इसको आप याद कर लीजिए। ये भी वादाई नया शब्द है, काइवा आपने किया है, देंची, देंशी, देंकी, आइदा, और ये आइदा हम बाद में भी करेंगे आपके साथ, और राइनिची यानी जापान आना। और भी बहुत सारे शब्द हैं आपके लिए, आप इनको पढ़ सकते हैं, इनकी कांजी याद कर सकते हैं, और इनको हम बाद में क्लास में कभी करेंगे भी। और इसी के साथ आज का हम जो क्लास है वो ख़त्म करते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इसमें, उनका अभ्यास करिए जा करके, कॉन्वर्सेशन करिए अपने मित्र के साथ, प्रश्न पूछिए, जवाब दीजिए, कोई आपसे प्रश्न पूछे आप उसका जवाब दें, और छोटा सा आप काइवा करिए, इससे आपको महसूस होगा खुद कि जापानी आपकी बेहतर हो रही है, आपका उच्चारण सही हो रहा है, आपका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो बेहतर होता चला जा रहा है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।